Good morning children, this is video part 13 of class 7th maths, and in this video we are going to solve exercise 2.3 question number 4. Which is greater? आपको यहाँ पे दो numbers दिए हुए हैं, ये number और ये number. इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा number greater है, means कौन सा number बड़ा है. तो ये इसको solve करते हैं पहले, फिर check करते हैं greater number कैसे find करेंगे. 2 by 7 off की जगह पे multiply लिया 3 by 4, सेम यहाँ पे भी करेंगे. अब आप यहाँ ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 1 3 जा 3, 7 2 जा 14. यहाँ पर भी सेम आप 5 से 5 कैंसिल कर देंगे. अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3 एंड 1 8 जा 8. ओके, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को में से कौन सा ग्रेटर है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले आप कर सकते हो कि दोनों को पहले सेम बनाना है. सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, 14 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, राइट. और दूसरा एक तरीका है बताने का, एक और मेथड है कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों के न्यूमिनेटर जो है वो सेम है, 3 3. ओके, तो हम डिनोमिनेटर को चेक करके भी बता सकते हैं. अगर ये दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर के थ्रू हम बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है. ये जो नंबर है ये 14 है, यहाँ पर 8 है, तो जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, तो ये जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, राइट. मीन्स ये नंबर जो है वो आपका ग्रेटर नंबर होगा. तो अभी हम दूसरे मेथड से करते हैं. तो हम क्या करेंगे, अभी सेम बनाना है न्यूमिनेटर, तो 8 से मल्टीप्लाई किया. जो मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करोगे वही न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा. यहाँ पे आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 जा 24 एंड 14 8 जा 112. और यहाँ पे करेंगे 14 3 जा 42 एंड 14 8 जा 112, राइट. तो अभी आप इजीली देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमिनेटर को देख के हम कह सकते हैं कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ओके, तो आप ये नंबर जो है वो ग्रेटर लिखेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट. थैंक यू.